हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ नए गाइडलाइंस और रूल्स अनाउंस किए हैं जो रिलेटेड है वर्क फ्रॉम होम से। देखिए, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हर 3 महीने में DTO जो है इसको एक्सटेंड करता जा रहा है। तो अब आप देखेंगे तो दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम अब तक के लिए वैलिड है दिसंबर तक। तो ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है कि जो वर्क फ्रॉम होम अब से परमानेंट हो चुका है। अब से ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर से ही काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ नई पॉलिसीज अनाउंस की है जो है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड और वर्क फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया। आप इंडिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है घर से काम कर करके बोर हो चुके हैं, उनको ऑफिस जाना है। पर हाँ, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कोई कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी ईज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया, क्या क्या चीज़ों को गवर्नमेंट ने आसानी दिए कंपनीज के लिए। तो ये OPS इंडस्ट्री है, जो ये वो कंपनीज होती हैं जो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती हैं बेस्ड ऑन टेलीकॉम रिसोर्सेज, मतलब इंटरनेट के जरिए वर्चुअली जो क्लाइंट को सर्व करती है उन कंपनीज के लिए। तो इनमें BPO आता है, KPO आता है, IT इंडस्ट्रीज आती है, IT सर्विसेज आते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इन सारी इंडस्ट्रीज को जो इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले गाइज, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है कि OPS को हमेशा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी OPS को रजिस्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी कोई कंपनी वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करती थी तो उनको अपना VPN डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स तक सबमिट करने पड़ते थे। अब से गवर्नमेंट ने उसमें भी पूरी आज़ादी दे दी है। हर एम्प्लॉय का स्टैटिक IP एड्रेस उनको देना पड़ता था कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है। अभी से वो भी रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। जब भी कंप्लायंस होता था तो उसकी जितनी भी पेनल्टीज है उस पर भी काफ़ी आसानी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और ब्यूरोक्रेटिक जो भी चैलेंजेस आते थे कंपनी को उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके इस बात को बताया कि इस मूव के से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो गाइस, अब इन सारे रूल्स से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस होते थे कंपनीज पर वो कम्प्लीटली हटा दिए हैं। तो अभी कंपनी जो है अपना पूरा फोकस जो है कोई अपने प्रोडक्ट्स को सुधारने में, अपने सर्विसेज को सुधारने में, नए क्लाइंट को एक्वायर करने में लगाएगी। सेकेंड चीज़ है, कंपनी का सिंस वर्क फ्रॉम होम अगर आ जाएगा तो कंपनी का ये फ़ायदा होगा कि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, जो एक ऑफिस को मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगता है, एम्प्लॉयज़ को सर्विस देने में जो कॉस्ट लगता है, वो बहुत हद तक रिमूव हो जाएगा। तीसरी चीज़, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि उनका सेटअप कॉस्ट बहुत हद तक बच जाएगा। जैसे अगर कोई नई जगह पे उनको सेटअप करना है तो अभी वो रिस्ट्रिक्शन या वो चैलेंजेस उनके लिए नहीं है कि कितना कन्वीनियंट है हमारा लोकेशन। अब वो छोटे छोटे लोकेशंस पर भी अपनी कंपनीज को डाल सकते हैं, छोटे छोटे सिटीज़ में भी अपनी कंपनीज को जो है ओपन कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये कि उनको भी लोकल DTO से भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो एक कंपनी उठा सकती है। अब ये देखते हैं कि जो हम जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है। अभी एम्प्लॉयज़ को ये फ़ायदा हुआ है कि जो ट्रैवलिंग टाइम तो होता था ऑफिस जाने के लिए, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, भले सिटी के किसी भी प्राइम लोकेशन पे भी रह रहे तभी भी आपको इतना टाइम लगता ही था, अब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। सेकेंड चीज़ ये है कि रिलोकेशन कॉस्ट जो होता था, जो कोई छोटे शहर से बड़े शहर में आने की जिसको ज़रूरत होती थी, अब वो हट गया है। तो आपका रेंटल कॉस्ट बच जाएगा, आपका रिलोकेशन माइग्रेशन चार्जेस जो है वो बच जाएंगे। थर्ड चीज़ ये है कि आप अभी इंडिया में कहीं पे भी रहकर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको घर से ही काम करना है, आपको किसी भी जगह पे इंडिया में रहकर आप काम कर सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि उनको कंपनी की तरफ से इंटरनेट मिलेगा, कंपनी की तरफ से जो है कंपनी उनको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ये सारी बेनिफिट्स जो है एक एम्प्लॉय के प्रस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा है जो एम्प्लॉय एंजॉय कर सकता है। तो गाइस, ये तो बेनिफिट्स हो गए कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, पर इन सब में हम एक चीज़ भूल रहे हैं
जो स्टाफ काम करता है कोई भी बड़ी कंपनी में, अगर इंफोसिस का मैं एग्जांपल ले लूँ तो इंफोसिस में ऑलमोस्ट 30% जो है वो स्टाफ है जो फैसिलिटीज़ में काम करते हैं। फैसिलिटीज़ का मतलब जो कैंटीन्स है चलते हैं, जो बसेस बस सर्विसेज चलती है, जो लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं वहाँ पे, जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, तो इनमें भी बहुत हद तक जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपनीज में जब लोग नहीं आएंगे तो कंपनी को इतने सारे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने सारे स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे है जो है इन लोगों के जो है रोज़ी रोटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से भी कि हम जब इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो इन लोगों के लिए भी हमें कोई ना कोई सुविधा का इंतज़ाम, कोई ना कोई रोज़गारी का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो जाए कि ये सारे बेनिफिट्स के चक्कर में जो है इन लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़े। तो गाइज इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला होगा।